पुटकी थाना क्षेत्र के बीसीसीएल के पीबी एरिया महाप्रबंधक के मुख्य द्वार पर यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन एवं नशा उन्मूलन महिला समिति के द्वारा बीसीसीएल कर्मी सपन कुमार गोराई, जिसका क्वार्टर की जर्जर स्थिति है, जिसे प्रबंधक को क्वार्टर के लिए लिखित आवेदन दिया था कि मुझे पुटकी 2 नंबर स्थित पुराना लाल बंगला का आधा आवास आवंटन की मांग किया था, मगर प्रबंधक ने वैसे कर्मी को उक्त आवास दे दिया जिसको कोई परेशानी नहीं है। उसी को लेकर यूनियन के लोगों ने कर्मी के पक्ष में महाप्रबंधक के कार्यालय पर एक दिवसीय धरना देते हुए बताया कि जिसको सबसे ज्यादा आवास की जरूरत है उसे नहीं दिया गया, इसी को लेकर हम लोग धरना दे रहे हैं। वहीं कुछ देर बाद एपीएम और धरना दे रहे लोगों के बीच वार्ता किया गया। घंटों चले वार्ता के बाद एपीएम बी खालको ने लिखित आश्वासन दिया कि विगत मंगलवार को महाप्रबंधक के उपस्थिति में बैठक कर आवास का निर्णय लिया जाएगा, तब जाकर धरना समाप्त हुआ। सुपर सुपर गुराई को आवास तो ना होगा, अपनी मांगे लेकर रहेंगे, या तो आप अग्राही है या तो अपनी अग्राही है। भारत माता की, भारत माता की। ये निष्कर्ष हुआ कि 22 तारीख को पुनः बैठक हो महाप्रबंधक का समझ, फिर उचित निर्णय लिया जाएगा। धरनार्थी सब बात मान लिया है? हाँ, सभी धरनार्थी को बोल दिया गया और मान लिया है, धरना को स्थगित करने के लिए निवेदन किया गया है। मौके पर एटक के रघुनाथ प्रसाद, दिलीप मोदक, राजा कर्मकार भोलानाथ महतो, भैरव महतो, विनोद चौहान, दुर्योधन कर्मकार, महिला मोर्चा सुंदरी देवी, मंजू देवी, बबीता देवी, नीतू देवी, अनीता देवी, सपना देवी, सुधा देवी, नेहा देवी, आला देवी, अंजू देवी, रीता देवी आदि अन्य गणमान्य लोग शामिल थे। जो कि सपन गोराई जी का है, हम महिला समिति के पास आया गया है कि इनका कहना है कि इनका जो आवास है पूरा जर्जर है और डंटा गई देके रखा गया बांस का, और हम चाहते हैं जो आदमी जैसे हमेशा तो यहाँ हमेशा पीबी एरिया में क्वार्टर को लेकर के चाहे कोनो भी मुद्दा में यहाँ प्रबंधक रहे, चाहे इनका कोई भी कर्मचारी रहे, हमेशा गलत प्रक्रिया से लोग काम करते हैं, जबकि ये आदमी का पूरा जरूरी है, इनको नहीं दे करके दूसरा किसी का जो बढ़िया आवास में रह रहा है उनको दिया जा रहा है। मेरा कहना है सर कि जो उचित है, जो जायज है वो काम किया जाए और उनको दिया जाए जो जिनको जरूरी है। आज आप लोग धरना दे रहे हैं? हाँ, आज हम लोग इनका में हम लोग को धरना दे रहे हैं पीबी एरिया में महाप्रबंधक। आगे अगर प्रबंधक से बात नहीं होती फिर आगे क्या करेंगे? अगर हम लोग कहीं नहीं होगा तो हम लोग यह धरना अपना जारी रखेंगे, और हम लोग चाहते हैं इनको जल्द से जल्द प्रबंधक उनका पास, हम लोग का माध्यम से उनका जाए और करे इस चीज को जल्दी इनका समाधान, नहीं तो हम लोग किसी भी हद में जा सकते हैं। सर, मेरा क्वार्टर बहुत जर्जर स्थिति में। कहाँ पर है क्वार्टर? पुटकी श्रीनगर कॉलोनी, जो रहने लायक नहीं है, बांस का बल्ली देकर रह रहे हैं। तो फिर क्या हुआ इसके बाद? हम एक क्वार्टर खाली हो रहा था सर, 13 नंबर लाल बंगला, तो हम जीएल साहब को बोले, बोला कि ठीक है तुम्हारा नाम पर कर देते हैं। इसके बाद अचानक क्या हुआ कि दूसरे के नाम पर अलॉटमेंट कर दिए, विनेश कुमार, विनेश महतो 10-12 फीट में ड्यूटी करता है, इसका सर जय गोविंद सिंह है, इसका मेन सपोर्टर कराने वाला, और सर 50,000 रुपया तो हमसे डिमांड करता, तो कहाँ से पाएगा रिजाइन? कौन डिमांड करते हैं पैसा? अरे सर, यहाँ का सर जो आपका है एपीएम साहब हुए, प्रबंधक हुए, लोग पैसा मांग कर रहे हैं। हाँ, 50,000 कहाँ से? अभी आज क्या कर रहे हैं? आज सर धरना के एक दिवसीय सब परिवार के साथ आया था, धरना में लोग बैठे हैं। अभी किसी से बात हुई आपको? नहीं सर, किसी से बात नहीं, अभी तक सर महाप्रबंधक जी भी नहीं पूछे। अभी सर वर्कर आपको क्वार्टर ने दिया? नहीं मिला। क्या नाम है? सपन कुमार गोराई सर। क्या है बिसल? वन सेक्टर के पद में कर रहे थे सर। कहाँ पर? 10-12 फीट कच्चे ले रहे क्षेत्र के जो महाप्रबंधक आए हैं, और यहाँ 4-5 वर्षों से हमारे जो क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक हैं, ये जो है मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। जिसको प्रायोरिटी होना चाहिए, जिसका क्वार्टर टूटा फूटा है, एक खंभा लगा के रह रहा है, उस वर्कर को मिलना चाहिए, ना कि ए टाइप में सुंदर आवास जिसका सौंदर्यीकरण प्लेस में है उसका आवास जो है होना चाहिए। तो न्यायिक बात ही नहीं हुआ है, जस्टिफाई नहीं है इनका निर्णय। हम लोग चाहते हैं कि सपन कुमार गोराई को जो है वो आवास जो है आवंटन हो,
पुनर्विचार के लिए हम लोग भी किए थे, एक बार वार्ता हुई थी, वो उन्होंने आश्वस्त किया था हम कमिटी बना के देखेंगे, जो उचित होगा वो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किए और विवश होकर जो है यूनियन जो है, ये हमारे चूंकि यूनियन के कर्मी हैं, सदस्य हैं, इसलिए बाध्य होकर हमको इनके साथ जो है खड़ा होना पड़ रहा है और न्याय की हम लोग मांग कर रहे हैं। अगर ऐसा अगर क्वार्टर पुनर्विचार करके आवंटन नहीं करते हैं तो हम आर पार की लड़ाई जो है से करेंगे और ऐसे भ्रष्ट प्रबंधन को जूता मार के भगाने का काम करेंगे।